और कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलने के लिए रूट भी लग गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही आज ये बैठक चल रही थी, कैबिनेट की बैठक, जिसपे बड़े फैसले को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि इसका एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जारी सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं और रुक करते हैं अपने सहयोगी का, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे को सुलझाने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। पेंशन धारक व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नए संसद भवन से मोदी सरकार ने जारी किए दो नए ऐलान, जिसका असर सीधा ही पेंशन और एरियर को लेकर और भुगतान को लेकर हो चुका है। आदेश जारी जिसके अनुसार आप सभी को बहुत अच्छा यानी कि शानदार स्वागत मिलने वाला है। नए संसद भवन से मोदी सरकार ने आपकी पेंशन भुगतान और एरियर को लेकर नया फैसला जारी किया। साथ में डीए को लेकर भी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार आपको डीए कितना देने वाली है, सरकार आखिर फाइनली आपको डीए में कितनी बढ़ोतरी करने वाली है, तो उसके बारे में ताज़ा जानकारी आ रही है जो आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो आप अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास से बेल आइकन देखिएगा उसे भी ऑल पर प्रेस कर दे। ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है और आपके फायदे में जो कि नई अपडेट आएगी उसका आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। बात करें पेंशन और एरियर का भुगतान कब होने वाला है और पेंशन की जो बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस के पेंशन धारक काफी लंबे समय से सरकार से संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार ईपीएस की पेंशन की राशि को बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला है जो विचाराधीन है। और बता दें कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर इस तरह का अपडेट आ रहा है कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी है उनकी पेंशन की राशि में इजाफा किया जा सकता है और आपका जो 15,000 रुपये का लिमिट है उसको खत्म किया जाएगा और नया सैलरी लिमिट इस तरह का यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 रुपये का लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार आपको पेंशन के तकरीबन यानी कि 8,500 रुपये तक मिल सकती हैं। इस तरह का इनकी प्लान बताया जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कैबिनेट की बैठक करने वाली है जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो वर्तमान में इस तरह की अपडेट आ रही है कि आपकी पेंशन की राशि को लेकर ये यानी कि आपका जो लिमिट है सैलरी का 15,000 रुपये का उसको खत्म किया जाएगा और नया सैलरी लिमिट लागू किया जाएगा, जिसको लेकर अपडेट आ रही है कि 20,000 रुपये या फिर 21,000 रुपये का नया लिमिट लागू किया जा सकता है जिसके अनुसार आपको पेंशन का फायदा मिलेगा यानी कि पेंशन में इस तरह बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है यानी कि ऑफिशियल सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं जारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। बात करें डीए को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है जिसके अनुसार आपको डीए 40% लेकर के यानी कि 49% तक आपको डीए में बढ़ोतरी मिल सकती है। तो वर्तमान में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि आपकी डीए में ज़्यादातर जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। आपका डीए जो 42% मिलता है उससे बढ़कर के सीधा 46% किया जाएगा या फिर 49% होगा। तो वर्तमान में इस तरह का डीए को लेकर कोई ऑफिशियली तौर पर घोषणा नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक जारी है जिसके अंदर चर्चा भी जारी है कि आपका डीए और पेंशन का भुगतान, एरियर का भुगतान कब किया जाएगा। तो वर्तमान में इस तरह की आपके लिए जो ताज़ा अपडेट आ रही है जिसके अनुसार आपको बता दिया जाए कि इस तरह का जो दावा किया जा रहा है जिसके अनुसार आपको जल्दी इसको लेकर ऑफिशियली घोषणा की जाने वाली अभी बाकी है, जिसके अनुसार आपको पेंशन डीए एरियर का भुगतान हो जाएगा। तो सरकार अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक इसको लेकर जो फैसला जारी कर सकती है। कैबिनेट की फिलहाल बैठकें जारी है जिसके अनुसार इस तरह का दावा किया जा रहा है। जो कैबिनेट की बैठकें हो रही है जिसके अंदर निर्णय फाइनली लिया जा सकता है। तो इस तरह की ताज़ा आपके लिए अपडेट आ रही है जिसके अनुसार आपको फायदा मिलने वाला है। पुरानी पेंशन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, ओपीएस में एक नया बदलाव होने वाला है यानी कि आपकी ओपीएस आपको जल्द मिलेगी बाली। ओपीएस को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। वैसे में आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आपकी ओपीएस को लेकर एक नया अपडेट जारी किया, एक नया प्रस्ताव जारी किया जिससे कि ओपीएस को आपके यानी जो पेंशन है उसको लागू किया जा सकता है। उसमें आपको यानी बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। एनपीएस में कुछ बदलाव को लेकर अच्छी अपडेट आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी योजना की तुलना में थोड़ी कम पेंशन दी जाएगी, लेकिन अहम बात यह है कि कर्मचारियों को ओपीएस की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहे, तो उसके लिए एक सरकार प्रस्ताव पारित करने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपे गए प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को उनके न्यूनतम वेतन पर पेंशन देने की बात कही गई है। और प्रस्ताव के मुताबिक जब सरकारी कर्मचारी सेवा में आएंगे तो उनकी शुरुआती सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा जो पेंशन के तौर पर मिलेगा, यानी कि जो आपकी यानी कि जो सैलरी होगी उसका 50% यानी कि आधा आपको पेंशन के तौर पर पैसा मिलेगा।
यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी उनकी आखिरी सैलरी का 50% यानी कि पेंशन आपको मिलेगा। जैसा कि आपकी आखिरी सैलरी 10,000 रुपये थी तो आपको उसका 5,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। जितनी आपकी जो सैलरी थी आखिरी उसका आधा पेंशन देने को लेकर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव यानी कि आपकी पेंशन को लेकर जारी हुआ है, जिसके अनुसार जो कर्मचारी ओपीएस को बहाली को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यानी कि बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी होने वाली, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओपीएस को लेकर 5 राज्य पहली जो आपकी पुरानी पेंशन योजना है जिसको लागू कर चुके हैं उनकी बात करें तो राजस्थान सरकार है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पहले ही लागू हो चुकी है। बाकी कुछ राज्य हैं जहां पर अभी जो बीजेपी शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार है वहां पर भी यानी कि सैद्धांतिक रूप से ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की मंजूरी दे दी थी जिन्होंने वर्तमान में एनपीएस का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि जो 2004 में जो पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी जिसे कि बहाल करने को लेकर वर्तमान में सरकारी कर्मचारी उसको लेकर चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना 2004 से बंद हुई उसको फिर से लागू किया जाए। कर्मचारियों को यहाँ पर ओपीएस के अंदर गारंटी सुधा पेंशन मिलती है, वैसे कि वर्तमान में एनपीएस में उनको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है। एनपीएस शेयर आधारित पेंशन है जिसको देखते हुए जो कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस को एक बार फिर से बहाल किया जाए, जो सरकार ओपीएस बहाल करेगी उनको ही हमें हमारा जो वोट देंगे यानी कि उन्हीं को ही विजेता बनाएंगे, इस तरह का जो कर्मचारियों का नारा है जो नजर आ रहा है। और जो आपकी 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, जीपीएफ का भी प्रावधान था। साल 2004 में एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर इसकी जगह एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू कर दी थी। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाना चाहिए जो कि ओपीएस है, उसका कोई योजना अभी वर्तमान में नहीं नजर आ रही है। इसी बीच सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का चुनने का मौका दिया है जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। हाल ही के महीनों में देश भर में ओपीएस की मांग जो जोर पकड़ती नजर आ रही है, कुछ राज्यों के यानी कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, कुछ राज्य जो ओपीएस को लागू करने को लेकर विचार कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इससे 4 सदस्यीय समिति का नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथ कर रहे हैं। कमेटी बताएगी कि मौजूदा एनपीएस की संरचना या ढांचे में किसी की बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं। आपको बता दें कि इसको लेकर जो कमेटी है जो जांच करेगी उसके बाद आपकी जो यानी कि एनपीएस है वर्तमान में उसको देखते हुए और ओपीएस का तुलना करते हुए जो यानी कि आपको लाभ मिले उस लाभों को नजर देखते हुए और आपको बता दें कि आपकी जो एनपीएस है उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे, ये यानी कि समिति अभी विचार कर रही है, जिसके बाद आपकी ओपीएस को लेकर फाइनली जो निर्णय किया जाएगा। तो जल्दी दशहरा से पहले पहले इस कमेटी का काम पूरा हो जाएगा तो आपको इसका बहुत अच्छा यानी कि एनपीएस में बदलाव मिलेगा। तो वर्तमान में आपके लिए इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। राज्यों में विधायक की पेंशन करीब 35,000 रुपए, इसी तरह सांसद का वेतन करीब 2.5 लाख और पेंशन 25,000। ऐसे में अगर कोई विधायक सांसद भी बन जाता है तो उसे विधायक और सांसद दोनों रैंक की जो पेंशन है वो दोनों पदों की डबल पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों? ऐसे में नेताओं को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी 2 पेंशन दी जाती है। इसके खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।